क्रेटा 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 सारी जगह पर क्रेटा की धूम मची, और पर सेल्टोस के आने के बाद थोड़ा सा इसका इंक्लाइन हो बैठ गया था कि भाई कोई ज़्यादा क्रेटा के ऊपर देख नहीं रहा था, और कई लोगों को भाई लग भी रहा था कि क्रेटा भाई उतनी चलने वाले नहीं, बट अब हो गई है भाई क्रेटा की नई लॉन्चिंग। वहाँ पे हम देखे तो एकदम ही नया पूरा लुक चेंज कर दिया है भाई, पूरी चीज़ें चेंज कर दी है, आपको भाई एकदम शॉकिंग फीचर्स मिलते हो। तो वीडियो एंड तक देखिए, आपको सारे फीचर में बताऊंगा क्या क्या नई चीज़ें आपको क्रेटा के अंदर मिलेगी, वो सारी चीज़ों की बात करेंगे। और हम बात करेंगे भाई कौन कौन से कंपटीशन में ये कम्पीट करने वाली है हुंडई क्रेटा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैंने सुना है कि भाई जो लोग चश्मा पहनते हैं उस पर लोग ज़्यादा विश्वास करते, क्यों नहीं मैं चश्मा ही पहन लेता हूँ। तो भाई पहली बात तो क्रेटा का जो लुक है वो एकदम ही चेंज कर दिया है, आपको फ्रंट में जो पूरा कनेक्टेड लाइट मिलती है आपको भाई पूरी DRS टाइप मिलती है, और पहले था कि भाई टूसन टाइप अपने को क्रेटा का फेसलिफ्ट मिलने वाले, बट ओह रियली अब हम करंट वाली देखे तो वहां पे अपने को कई हद तक पहले साइड आती है, वहां से थोड़ी सी इंस्पिरेशन वो ली गई है हुंडई क्रेटा की, और पीछे से भी हम देखें तो वैसी वाले ही थोड़ा सा अपने को जो फ्रंट में लाइट वगैरह मिलती है वैसे ही अपने को पीछे भी उस सेम काइंड ऑफ द लुक को कैरी फॉरवर्ड करने का ट्राई किया गया। और इसके अंदर हम लोगों को देखे तो एक नया कलर भी वो ऐड किया गया, और किसी ने ये चीज़ के बारे में बात नहीं की कि अपने को जो ऑटोमेटिक AC आता है वहाँ पर अपने को भाई फुल्ली भाई डिस्प्ले मिलने वाली है, फर्स्ट इन द सेगमेंट फीचर होगा, जो अपने को सेल्टोस हो गए हम हैरियर में भी देखे तो अपने को स्क्रीन नहीं आता, पोर्ट टच में से ही आपको इसी कंट्रोल मिलते, बट ये चीज़ काफ़ी मतलब कि एक्साइटिंग रहने वाली कि ये कोई यूट्यूबर ने अभी तक नहीं बताया, बट मैंने थोड़ा सा नोटिस करके वो फोटो देखा ना तो वो पता चला कि वहाँ यहाँ पे कोई टच स्क्रीन आने वाला। और हम इसकी इसी वेंट की बात करें तो वहाँ पे अपने को जो वरना में आता है वैसा वाला अपने को जो है इसी वेंट की डिजाइनिंग मिलेगी, और हम को ड्राइवर साइड की इसी वेंट पे देखे तो वहाँ पे भी अपने को जो पूरा कवर करके अपने को इसी वेंट का थोड़ा सा यूनिक अपने को डिज़ाइन मिलेगी जो और कहीं पर नहीं मिलती, एकदम को फ्यूचरिस्टिक सा डिज़ाइन को बन के आता है। और हम इंटीरियर में देखें ना तो इंटीरियर वाइज अपने को कलर सिलेक्शन में उतना कुछ खास फर्क नहीं मिलेगा, बट जो अपने को टच स्क्रीन एंड जो स्पीडोमीटर रहता है वो अपने को पूरा कनेक्टेड मिल सकता है, बट मेरे हिसाब से तो बीच में शायद वो हुंडई वाले यहाँ पे पैनल भी रख देंगे, क्योंकि वो दूर से देखते हैं तो वो दिखता नहीं है पैनल, बट आप एक्चुअल में देखोगे तब पता चल जाएगा यहाँ पे कोई भी टच स्क्रीन वो ऐड नहीं की। बाकी अपने को स्पीडोमीटर देखे तो वो अपने को जो हल्का सा रहता है वही सेम अपने को जो है वो स्पीडोमीटर मिल जाएगा। हम टच स्क्रीन की बात करते हैं थोड़ी सी अपग्रेड हो सकती है या फिर चेंज भी हो सकती है, वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा, पर मेरे हिसाब से तो वो सेम ही आएगी, थोड़ा सा ही माइनर ट्वीक या फिर हम कहें UI में चेंज ही होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी अपने को स्क्रीन मिलती थी वहाँ पे। और हम इंजन की बात करें तो आपको 3 इंजन ऑप्शन आते हैं अब नए वाले क्रेटा में, बाकी अपने को जो 1.5 टर्बो GDI इंजन है वो अब नए क्रेटा में मिलेगा। बाकी मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है 1.5 डीजल इंजन, 250 NM का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, आपको अच्छी खासी माइलेज देगी, 20+ की माइलेज इसके अंदर वो निकल के आती है आपको, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको भर भर के ऑप्शन मिलेंगे, आपको कोई से भी वेरिएंट भी जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे यहाँ पे अपने को वेरिएंट की हो डिस्ट्रीब्यूशन ओके रहती है यहाँ पे हुंडई में। बाकी अपने को जो है ग्राउंड क्लियरेंस हो गए या फिर डायमेंशन देखे तो वहाँ पर कोई ऐसा चेंज नहीं है, बट हाँ फीचर्स वाइज हम कहते हो ADAS अपने को जो है Level 2 का मिल जाएगा। फिर हम देखे तो पैनोरामा सनरूफ तो आती ही है, बाकी अपने को दूसरे हम देखे तो आपको एलॉय व्हील्स है, उनकी जो साइज़ है 17 इंच के आते हैं तो आपको 18 इंच के आपको एलॉय व्हील्स मिल सकते हैं शायद। और मेरे हिसाब से जो क्रेटा है वो सिर्फ भाई सेल्टोस के साथ कम्पीट नहीं करने वाली, बट ये हैरियर को भी लपेटे में लेने वाले, क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव है कि बंदा सोचता है कि यार मैं थोड़ा से पैसे बचा ही दूँ कि मैं हैरियर ना लूँ और क्रेटा ले लूँ। बाकी हैरियर एक अलग चीज़ है, बट वो एक हाइप होती है, वो एक कहते हैं ना कि हुंडई की गाड़ियों में अच्छी खासी रिलायबिलिटी रिफाइनमेंट वो सारी चीज़ें होती है। अब हैरियर और क्रेटा को कंपेयर करें तो क्रेटा में अच्छी माइलेज मिलती है, डीजल में देखिए तो काफ़ी बढ़िया माइलेज दे देती है, और पावर वाइज भी कहें तो आपको अच्छी खासी पावर भी मिल जाती है, तो वो चीज़ होगी। और सेल्टोस के सामने देखो ना तो
मेरा तो ये हमेशा से मानना है कि आपको क्रेटा और सेल्टोस में कोई भी चुननी हो तो आपको डेफिनेटली क्रेटा को चुनना चाहिए, क्योंकि ह्यूंडई ऐसे ब्रांड काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। दूसरी बात, ह्यूंडई की सर्विसिंग होती है वो काफ़ी सस्ते में हो जाती है, और किया के अंदर वो चीज़ आप नहीं बोल सकते, उसके जो सर्विस कॉस्ट होती है थोड़ी सी हाई चली जाती है। बाकी अब बात है भाई कि डैमेज वाइज तो मैंने बता दिया, फिर इंजन का भी मैंने आपको बताया, तो वेरिएंट का आपको सेम वही आपको वेरिएंट मिलेंगे, अब कोई चेंजेस उसमें नहीं होगा। कलर की बात करें तो आपको एक एडिशनल कलर वो देखने को मिल सकता है, वो है डार्क ग्रीन कलर, आपको काफ़ी मतलब कि ब्लैक काइंड ऑफ ग्रीन कलर मिलेगा, जो अपने को सेल्टोस में देखेगा वो मतलब सेम कलर नहीं आएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, थोड़ा सा कहें ना कि ब्लैक कलर से थोड़ा सा सटल मिलेगा। बाकी अपने को जो है इसकी प्राइसिंग की बात है तो 50,000 तक की इसकी प्राइसिंग वो इंक्रीज होगी फ्रॉम द जो अभी आती है उस क्रेटा से, और टॉप एंड में देखे तो मेरे हिसाब से 1 लाख या 2 लाख का डेढ़ लाख के आसपास उसकी जो प्राइसिंग वो बढ़ेगी, क्योंकि जो मेनली फीचर होते वो अपने को टॉप एंड में ही मिलते, तो वहाँ पे चीज़ें जो है काफ़ी मतलब बेहतर की गई हैं, और मेरे हिसाब से जो को ड्राइवर साइड की सीट है वहाँ पर भी अपने को जो है इलेक्ट्रिक वे में सीट एडजस्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी मतलब कि यूनिक फीचर्स वो लाएंगी ह्यूंडई, और कई ज़्यादा मतलब गेमिंग के फीचर्स मतलब कि डैश कैम हो गया, फिर हम ब्लू लिंक में देखें तो वहाँ पर भी कई ज़्यादा फीचर्स वो ऐड किए जाएंगे, फिर हमने को जो है एयर फिल्टर हो गया, टच स्क्रीन हो गए, फिर हमने को जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ गए, वहाँ पर भी अपने को जो है कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, आपको थोड़ी सी मोर रिफाइनमेंट मिलेगी, थोड़ा सा ज़्यादा आपको है स्मूथनेस मिलने वाली है। बाकी अपने को जो पीछे की रूम में देखे तो वहाँ पर कोई चेंज मुझे नहीं लगता कि मिल सकता है, बाकी आपको बूट स्पेस हो गई वहाँ पर भी आपको कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, और ग्राउंड ग्लेस पैंक्रेस वो तो सेम ही रहेगी, ये फीस लिफ्ट है तो कोई मतलब कि चेसिस वेसिस में कोई चेंजेस नहीं होता, सो जो होगा वो कॉस्मेटिक चेंजेस ही रहने वाला। और फीचर्स वाइज देखे तो फिर से भाई ह्यूंडई है अब अपनी लेवल दिखा रहे हैं, वही है कि लेवल सबके निकलते हैं, लेवल सबके निकलेंगे, पहले सेल्टोस के निकले, अब भाई अपने ह्यूंडई क्रेटा के निकलने वाले, क्योंकि अब भाई ह्यूंडई का टर्न है कि वो दिखेंगे हमारे पास क्या है, और उनके पास जो चीज़ें वो निकल के आएगी वो एक भाई मार्केट में बूम मचाने वाले, क्योंकि क्रेटा का ना मेरे दोस्त भी था एक अभी फिलहाल, कि मैंने बोला था कि भाई जनवरी फरवरी में इसका फेसलिप आने वाला है, तो थोड़ा सा वेट कर ले या फिर सेल्टोस ले ले, क्योंकि वो ज़्यादा उस टाइम पे अपडेटेड थी। बट वो ही बात है कि यार क्रेटा लवर की बात ही नहीं कर सकते, उनको सिर्फ क्रेटा ही चाहिए, तो उन्होंने फिर से मैंने ये चीज़ बताई थी, पर फिर से उन्होंने क्रेटा ही ले ली कि भाई नहीं मुझे क्रेटा ही लेनी, तो वो वाली बात है। बाकी कमेंट सेक्शन में बताया कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्या करें भाई, फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना मत भूलना। बाय।